जमीन फाड़कर कब्र से बाहर आ रही हैं मुर्दों की अंगुलियां। ये एक ऐसी अद्भुत घटना है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जरा सोचिए कि आप अकेले एक जंगल से गुजर रहे हों, उसी रास्ते पर आपको कब्र से बाहर मुर्दे की अंगुलियां दिखाई दें, तो आप क्या करेंगे? ऐसा नज़ारा देखकर कोई भी डर सकता है। ऐसी ही एक घटना यूनाइटेड किंगडम में एक शख्स के साथ हुई है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। इंग्लैंड में कुछ जगहों पर ज़मीन में मरे हुए इंसानों की उंगलियां उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। इसे एक शख्स ने देखा तो हैरान रह गया। वो शख्स जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे जमीन से बाहर एक मुर्दे की उंगलियां आती हुई दिखी, जिसे देखकर वो सहम गया और चिल्लाने लगा। लेकिन मुर्दे की उंगलियों को ध्यान से देखने के बाद उसे मालूम हुआ कि ये मामला कुछ और ही है। जमीन से निकल रही इन उंगलियों को ध्यान से देखने के बाद मालूम हुआ कि ये उंगलियां इंसानों की नहीं हैं, बल्कि ये एक तरह का फंगी है जो जमीन से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे डेड मैन्स फिंगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में एकदम डेड बॉडी की उंगलियों जैसा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग सभी ब्यूटी स्पॉट्स पर जमीन से निकलता हुआ दिख जाता है। डेड मैन्स फिंगर्स दिखने में डरावनी होती है। ग्रोथ होने के बाद इसकी शाखाएं जमीन फाड़कर बाहर आ जाती हैं, जो कि देखने में किसी मुर्दे की उंगलियों जैसी लगती हैं। इसमें लाल रंग के मांस जैसी संरचना होती है, जबकि कई बार ये स्टारफिश जैसा भी लगता है। इसी वजह से इसका नाम डेड मैन्स फिंगर्स रखा गया है। ये मूंगा यानी कोरल की एक प्रजाति है, जो दिखने में थोड़ी डरावनी और अजीब भी लगती है, खास तौर पर हेलोवीन सीजन में। अगर ये किसी अनजान इंसान को दिख जाए तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। हेलोवीन विदेशों में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग डरावने अंदाज में तैयार होते हैं। ये त्यौहार अपने पूर्वजों को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।